अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन और धार्मिक नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। माना जाता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयोध्य, अर्थात जहां कभी युद्ध ना हो। इसके अलावा इसे प्राचीन काल में कौशल देश के नाम से भी जाना जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी और रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहा करते थे। यह नगर सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तईता मोक्षदायिका, इसका अर्थ है अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांचीपुरम उज्जैन और द्वारिका, ये 7 पुरिया नगर मोक्षदायी माने गए हैं। अयोध्या का इतिहास। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पुर्योध्या। ये पूरी सरयू के तट पर 12 योजन लगभग 144 किलोमीटर लंबाई और 3 योजन लगभग 36 किलोमीटर चौड़ाई में बसी थी। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मान्यता के अनुसार यहाँ 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। इसके अलावा जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान रामचंद्र जी का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ पर हुए सभी तीर्थंकर और भगवान रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश से थे। इसका महत्व इसके प्राचीन इतिहास में निहित है, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध एवं प्रतापी क्षत्रियों की राजधानी यही नगर रहा है। अयोध्या में ही जन्मे भगवान श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में जाना जाता है। पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी था। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। अयोध्या और फैजाबाद। कभी कभी बहुत से लोगों को इन दोनों शहरों में भ्रम होने लगता है। आमतौर पर लोग इन दोनों को एक ही शहर समझने लगते हैं। अयोध्या भारत के प्राचीनतम शहरों में शुमार है और करोड़ों भारतीयों की आराध्य भगवान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। फैजाबाद भी एक शहर है जो अयोध्या से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फैजाबाद को अवध के सूबेदार नियुक्त किए गए एक ईरानी सादात अली ने 1722 ईस्वी में बसाकर अवध की पहली राजधानी बनाया था, जिसे बाद में नवाब असफुद्दौला द्वारा 1775 ईस्वी में लखनऊ ले जाया गया और इसके बाद फैजाबाद का पतन हो गया। इस 50 वर्ष की अवधि तक के नवाबों ने उस राजधानी में बहुत सी खूबसूरत इमारतों का निर्माण करवाया। लखनऊ की तरह फैजाबाद भी हमें नवाबकालीन दौर की याद दिलाता है। अवध के नवाबों के बारे में अगर हम इतिहास में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार और लखनऊ शहर के अलीगंज में स्थित एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था। फैजाबाद शहर के बसने के बाद भी अयोध्या अपने धार्मिक स्वरूप और धार्मिक पराकाष्ठा के कारण आम हिंदू जनमानस के बीच आस्था के केंद्र के रूप में विख्यात रहा। इसे हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि सादात अली ने भगवान श्री राम के बाद अयोध्या को ही अवध की राजधानी बनाया, पर एक ईरानी होने के नाते वर्तमान अयोध्या नगर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जाकर अपनी फारसी जबान में उसे फैजाबाद के नाम से स्थापित कर दिया, जिसका अर्थ कुछ विद्वान ऐसे शहर के रूप में निकालते हैं जहां पर सब बराबर हैं और जहां कोई भेदभाव ना हो। ये एक तरह से महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में वर्णित राम राज्य की अवधारणा से मेल खाता है। आगे चलकर जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन आया तो उन्होंने फैजाबाद शहर को एक जिले का दर्जा दिया और रामनगरी अयोध्या को भी इस जिले के अंतर्गत कर दिया। आगे चलकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अयोध्या शहर को जिला घोषित कर दिया और फैजाबाद शहर को उसका प्रशासनिक मुख्यालय बना दिया। मई 2017 तक फैजाबाद शहर की अलग नगरपालिका थी और अयोध्या शहर की अलग नगरपालिका, जिसके बाद में सूबे की भाजपा सरकार ने विलय कर अयोध्या नगर निगम नाम से एक नए नगर निकाय को गठित कर दिया। फैजाबाद एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। लखनऊ के बाद ये दूसरा शहर है जिसकी इमारतें नवाबकालीन दौर को फिर से जीवंत कर देती हैं। इस शहर को बहुत से साहित्यकारों कवियों और स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है।
रामायण का पहली बार उर्दू में अनुवाद करने वाले महान उर्दू कवि और पेशे से वकील पंडित ब्रज नारायण चकबस्त का जन्मस्थल और कर्मस्थल भी फैजाबाद ही था। मुख्य आकर्षण। प्राचीन नगर अयोध्या के अवशेष खंडर के रूप में रह गए थे, जिसमें कहीं कहीं कुछ अच्छे मंदिर भी बचे हुए थे, लेकिन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब यहां पर एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। यह नया मंदिर बनने तक रामलला मूर्ति को जन्म स्थान से स्थानांतरित कर एक अस्थायी मंदिर में प्रतिस्थापित कर दिया गया है।